हेलो फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ। टुडे आई एम टीचिंग योर ज्योग्राफी चैप्टर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि वी आर फुली अवेयर अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ आवर लोकेलिटी एज वेल एज इन इंडिया आल्सो, एंड वी नो अबाउट द वाइल्ड लाइफ आल्सो। तो जो वेजिटेशंस होती है उसको फोना बोला जाता है, फ्लोरा कहा जाता है, और जो वेजिटेशन जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको फोना कहा जाता है। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्री? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो कितने प्रकार के पेड़ होते हैं हमारे आसपास? झाड़ियां होती हैं, ग्रास हैं, बर्ड्स हैं मैदानों में एंड पार्क एंड इन अराउंड योर स्कूल, पार्कों में और आपके स्कूल के चारों ओर कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, कितने प्रकार की घास हैं, पक्षी घूमते हैं, आदि सिमिलर और दे आर वेरिएशंस। क्या वो सिमिलर हैं, समान हैं, या उनमें कोई विभिन्नता होती है, कोई वेरिएशंस होता है? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, एक एज ए वास्ट कंट्री, जैसे कि भारत एक बड़ा देश है, हम इमेजिन कर सकते हैं किस टाइप के जो बायोफॉर्म्स हैं अवेलेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में। अब अगर हम कंट्री इंडिया की बात करें, वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में से जो उन देशों में से एक है जहां पर 12 प्रकार के बायोडाइवर्सिटीज विभिन्नताएं देखी जाती है, विद अबाउट जिसमें 47,000 प्लांट की स्पेसीज हैं, और इंडिया जो ऑक्यूपाई करता है 10वां स्थान है संसार में इसका, और एशिया में 4th है, प्लांट डाइवर्सिटी में 4th रैंक रखता है इंडिया। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट, इंडिया में लगभग 15,000 प्रकार के 15,000 के फ्लावरिंग प्लांट भी पाए जाते हैं, विच अकाउंट फॉर 6% ऑफ वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग, जो पूरे वर्ल्ड का 6% रखता है स्थान, 6% शेयर है इसका। कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और हमारे देश में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी है जिनमें फूल नहीं लगते हैं। कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न है, जैसे एल्गी है, और फंगई है। इंडिया हैज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज एनिमल्स की पाई जाती है, एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश, इसी तरह से विभिन्न प्रकार की मछलियां यहाँ पाई जाती है, मैरीन वाटर्स, जिस पानी है मैरीन वाटर। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें, वी नो रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी को रिफर्स करता है विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो होते हैं, खुद ही प्राकृतिक रूप से उगते हैं, विदाउट ह्यूमन एड, बिना किसी मानव की मदद से खुद ही उग जाते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है, and human has been left undistributed by human के द्वारा undistributed दिखती है, undisturbed दिखती है, sorry, जिसमें आदमी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, खुद ही grow up हो जाते हैं। this is termed virgin vegetation बोलते हैं इसको, the cultivated crops and fruits world, जो फसल उगाई जाती है और जो फूल फल है और जो बगीचे हैं पार्ट ऑफ वेजिटेशन है, व्हाट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। अगर हम टर्म फ्लोरा की बात करें, इज यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ये क्या है, पर्टिकुलर रीजन्स के होते हैं जो फ्लोरा है। सिमिलरली द स्पेसीज ऑफ एनिमल, इसी तरह से जो जानवरों की स्पेसीज है उनको फोना बोलते हैं, प्लांट की स्पेसीज को फ्लोरा बोलते हैं, या फूलों की स्पेसीज पौधों की वो फ्लोरा के नाम से जानी जाएगी, और जो जानवरों की स्पेसीज है वो फोना के नाम से जानी जाएगी। तो फोना क्या है, तो आप कहेंगे एनिमल्स वेराइटीज। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी जो हमें दिखती है फ्लोरा एंड फोना की किंगडम की, कई सारे कारण हैं, इनके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण हमें लगता है कि
किसी जगह पर फ्लोरेंस होना है, उनके वेरिएशंस देखने को मिलता है, सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, और वो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फौना वहाँ पर डेवलप होते हैं। लैंड की अगर हम बात करें, लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन, जो लैंड है वो क्या करती है, नेचुरल वेजिटेशंस वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है जो वहाँ की ज़मीन है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन, क्या आप एक पहाड़ों पर और पठारों पर और मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति देखते हैं, या ड्राई और सूखे और नमी वाले इलाकों में एक ही तरह की वनस्पति होती है क्या, पर्वतों में पहाड़ों में और मैदानों में एक ही तरह की वनस्पति हम देखते हैं क्या। द नेचर ऑफ लैंड बल, जो लैंड का नेचर है वो प्रभावित करता है वेजिटेशन के प्रकार को, कि जिस तरह का नेचर होगा लैंड का या जो वहाँ की मिट्टी का टेक्सचर होगा, ह्यूमस होगा या वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसके कारण क्या होता है उस जगह के वेजिटेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। द फर्टाइल लेवल, जो लेवल है उपजाऊ जो हम कहेंगे एग्रीकल्चर को डिवोटेड है, द अनडल्टिंग एंड रफ टेराइंस जो होते हैं खुरदुरे तराई के इलाके विच ग्रासलैंड एंड वुडलैंड, जहाँ पर घास के मैदान हैं और वुडलैंड्स डेवलप, जिससे क्या होता है कई सारे जानवरों को एक आश्रय मिलता है, एक घर मिलता है जिसमें बहुत सारे डेंस जो फॉरेस्ट इलाके हैं और बहुत सारे जानवर रहते हैं। ऐसे अगर हम सॉयल की बात करें, मिट्टी की, सॉयल ऑल्सो वेरी वेल, यानी जो मिट्टी होती है उस लैंड के ऊपर वो भी वेरी अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल प्रोवाइड बेसिस वेल, अलग अलग तरह की जो सॉयल होती हैं वो क्या देते हैं, बेस देते हैं अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है। बेस बेसिस है जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी तो उससे क्या होगा वहाँ पर वेजिटेशन में डिफ्रेंशिएट आएगा। द सैंडी सॉयल जो होती है डेजर्ट इलाकों की, सब वहाँ पर कैक्टस कांटेदार जो होते हैं, कांटेदार जो कैक्टस है, बबूल है देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें गहराई से पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाइल वेट जो होते हैं, जहाँ पर वेट इलाका है सूखा, मार्सी डेल्टिक रीजन में, सो मैनग्रोव डेल्टिक वेजिटेशन पाई जाती है, जहाँ पर डेल्टा वाले रीजन है जैसे सुंदरबन डेल्टा जहाँ वहाँ पर जो डेल्टिक रीजन्स में मार्सी लैंड में जो वेजिटेशन होती है उसको बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। द हिल स्लोप्स जो है पहाड़ी ढाल जहाँ थोड़ी गहराई होती है डेप्ट है, वहाँ पर कोनिकल ट्री यानी कि कोणधारी जिसे हिंदी में बोलते हैं वैसी वनस्पति पाई जाती है। यानी मिट्टी के वेरिएशंस के हिसाब से हमको वेजिटेशन में भी अंतर देखने को मिलता है, मिट्टी का जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो माउंटेन इलाकों में और प्लेन्स इलाकों में हमें वेजिटेशन में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, जो टेम्परेचर है, द कैरेक्टर अगर हम बात करें, एंड एक्सटेंस ऑफ वेजिटेशन आर मेनली जो डिटरमाइन किए जाते हैं टेम्परेचर के द्वारा, विद ह्यूमिडिटी भी होती है जिसमें नमी हवा में परसिपिटेशन और सॉयल, जैसे पाला है, कोहरा है, ओले हैं वो बढ़ जाते हैं उसको परसिपिटेशन बोला जाता है। और मिट्टियाँ जो हैं ऑन द स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय के ढालों में हम देखते हैं जो हिल है पेनिनसुला की अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर हाइट पर होते हैं, द फॉल इन द टेम्परेचर, इससे क्या होता है टेम्परेचर में फॉल होता है, अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की टाइप में भी असर पड़ता है और उसकी ग्रोथ में भी, एंड चेंजेज में इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, इसमें ट्रॉपिकल से हम सब ट्रॉपिकल की ओर देखते हैं, और एल्पाइन वेजिटेशन भी हमें देखने को मिलती है जहाँ पर ऊंचे इलाके होते हैं, टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम देखते हैं वेजिटेशन के टाइप में और ग्रोथ में अंतर देखने को मिलता है। और सिर्फ ट्रॉपिकल गर्म इलाके होते हैं, और जो सब ट्रॉपिकल इलाके होते हैं
वहाँ पर हम अल्पाइन तरह की वेजिटेशन देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम फोटो पीरियड सनलाइट देखें, वेरिएशन अगर हम इनमें देखें, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दिन के टाइम पर और डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ पर डिफरेंट लैटिट्यूड है, जो देशांतर रेखाएं हैं और जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, सीजन और ड्यूरेशन दिन के दौरान हमें देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग स्थानों पे जो सनलाइट होती है वो लैटिट्यूड के कारण और हाइट के कारण, वो ड्यूरेशन ऑफ डे में अंतर आता है। जैसे कई बार दिन छोटे रात बड़ी होती है और कई बार दिन बड़े और रात छोटी होती है, दिन छोटे रात बड़ी, दिन बड़े रात छोटी। ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन होता है सनलाइट को, लॉन्गर ड्यूरेशन जहाँ ट्रेवल करना पड़ता है, तो उन लगाव जो वनस्पति होती है वेजिटेशन, उनको कंपटीशन चलता है सन की लाइट को प्राप्त करने के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्री होते हैं समर के टाइम पर, समर सीजन में तेजी से ग्रो अप करते हैं, अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन इंडिया में ऑलमोस्ट जो इंटायर रेनफॉल होती है, जो पूरी बारिश होती है भारत में, कहाँ से आती है वो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पर बारिश होती है। जून से सितंबर के बीच में बहुत बारिश होती है, इस बीच काफ़ी बारिश हुई। रिट्रीटिंग जो नॉर्थ है, जो तेजी से वापस आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, और वो एरिया जहाँ पर तेजी से बारिश होती है, मोर डेंस वेजिटेशन, वहाँ पर घनी वेजिटेशन होती है एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर घनी वनस्पति होती है, उनके मुकाबले में, उन एरियाज के मुकाबले में जहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होती है। हैव यू एवर थॉट वेल, क्या आपने कभी सोचा है टू एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, जो फॉरेस्ट हैं वो आखिर क्यों इम्पोर्टेंट हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्यों जरूरी हैं ये फॉरेस्ट, क्या करते हैं हमारे लिए? फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल, बार बार से जिसे हम यूज कर सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स हैं और एक मेजर रोल निभाते हैं इन्हेंसिंग करने, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट, या जो फॉरेस्ट है ट्री मिल के ही तो फॉरेस्ट बनाते हैं। फॉरेस्ट में कई तरह की छोटी बड़ी रफ्स है, श्रफ्स है, ट्रीज हैं, कॉनिकल ट्री, कई तरह की वनस्पतियाँ होती हैं, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को सुधारते हैं, दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, लोकल के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, जो स्ट्रीम का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं, और कई तरह की जो इंडस्ट्री होती हैं प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज, कई समुदाय को एक आजीविका का जरिया होती हैं, ऑफर पैनोरमिक और सैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, एक बहुत ही आकर्षक जो भूदृश्य होता है रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए, सुंदर जो टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए। दे कंट्रोल कह रहा है विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, जो हवा की फोर्स होती है एंड टेम्परेचर को, जिससे बारिश होती है। दे प्रोवाइड ह्यूमस, वो ज़मीन को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। इंडिया नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगोन मैनी चेंजेज, जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है प्राकृतिक वनस्पति, वो क्या, उसमें कई सारे बदलाव देखते हैं हम, कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे जो आजकल हम देखते हैं कल्टीवेशन लैंड की डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है एंड माइनिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन और ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग जैसे जानवर पालते हैं लोग तो किसी एरिया में ओवरग्रेजिंग कर देते हैं पास्चर एरियाज में, माइनिंग वगैरह देखते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन देखते हैं हम, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से एफॉरेस्टेशन ज़्यादा होना चाहिए था, डिफॉरेस्टेशन जिस रेशियो में हो रहा है उस रेशियो में एफॉरेस्टेशन नहीं हो पा रहा है,
जिसके कारण से शॉर्टेज हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है हर जगह पर, चाहे लैंड हो या वाटर हो। वेजिटेशन जो है वो कवर करती है इंडिया के एक लार्ज पार्ट को, इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंसेस एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन, जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते हैं। लार्ज पार्ट में जो नो वो नेचुरल वर्ल्ड इन द रियल सेंस में एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन जो हैं, जैसे कि हिमालय हैं और हिली रीजन है, सेंट्रल इंडिया के कुछ मरुस्थलीय भाग हैं, मरुस्थली जिसे बोलते हैं, द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरिया। तो इस जगह की मरुस्थली इस तरह की जो वेजिटेशन होती है, हैज़ बीन मॉडिफाई एट सम प्लेस में मॉडिफाई की गई है या रिप्लेस उसकी जगह पर नहीं लगाई गई है और डिग्रेडेड है या ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के कारण उसको डिग्रेडेड कर दिया गया है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम जो हम देखते हैं परितंत्र, प्लांट्स अकर इन डिस्टिंस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में पाए जाते हैं, इन एरियाज हैविंग जहाँ पर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। द नेचर ऑफ द प्लांट, जो इस नेचर होता है प्लांट्स का, इन एरिया में लार्ज एक्सटेंस में होते हैं, डिटरमाइन द एनिमल लाइफ, एनिमल्स की लाइफ भी उस पर डिटरमाइन करती है किसी एरिया के। व्हेन द वेजिटेशन इज एल्टर्ड, जब वो वेजिटेशन है वो बदल जाती है, एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज, एनिमल्स की लाइफ भी बदल जाती है। ऑल प्लांट एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट, सभी पौधे और जानवर जो हैं उस एरिया के एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंड हैं, इंटररिलेटेड हैं इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। अपना जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके लिए एनिमल्स और प्लांट क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी दिखाते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने प्रभाव से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम बनाते हैं जो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ, और ह्यूमन बींग भी जो है मानव भी क्या है, एक अभिन्न इंट्रीगल पार्ट है इकोसिस्टम का। हाउ डू ह्यूमन बींग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ रीजन, कैसे जो ह्यूमन बींग होते हैं इस इकोलॉजी के रीजन्स में क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालते हैं। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन वेल, वो क्या करते हैं, वेजिटेशन को यूटिलाइज करते हैं और वाइल्ड लाइफ को उपयोग में लाते हैं अपने। लेकिन हम देखते हैं ना, द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग, जो मानव का लालच है ओवर यूटिलाइजेशन जो करता है रिसोर्स का, इससे क्या होता है, हर चीज़ क्या हो रही है, डिफ्लेशन हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, चाहे वाटर हो या लैंड हो या अदर मिनरल्स हो या फॉरेस्ट हो, वो क्या कर रहा है, एक्सेस वे में ओवर यूटिलाइज कर रहा है उनको, जिससे क्या होता है, ये वाले संसाधन रिसोर्सेज तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और संसाधन उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं। दे कट द ट्री, वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, दे कट द ट्री एंड किल द एनिमल, और जानवरों को मार देते हैं। और दो चीज़ें करने से, पेड़ों को लगातार काटने से और जानवरों को मारने से, जो कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और हम ह्यूमन बींग भी इकोसिस्टम का जो पार्ट हैं, तो एक ह्यूमन बींग के पार्ट, जो ह्यूमन बींग्स हैं जो इकोसिस्टम का एक पार्ट हैं हम भी, हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को, एक तरफ तो हम तेज़ी से पेड़ काट रहे हैं, दूसरी तरफ हम जानवरों को मार रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल जो है इम्बैलेंस हो रहा है। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैव रीच एक्सटिंक्शन, बहुत सारे जानवर या पेड़ एक्सटिंक्शन के कगार में पहुंच गए हैं। तो जितने भी इंडेंजर्ड हैं या वेलनरेबल हैं या एक्सटिंक्शन हैं, उनका जो डाटा होता है, रेड डाटा बुक एक बुक होती है, रेड डाटा बुक में उनकी एंट्री की जाती है। डू यू नो, कह रहा है कि जो लार्ज इकोसिस्टम है जो लैंड में हैविंग डिस्टेंस टाइप ऑफ वेजिटेशन जहाँ पाई जाती है और एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम, उसको जैव बोलते हैं, बायोम, बायोम आर आइडेंटिफाई, जो बायोम होते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र, वो प्लांट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हम वेजिटेशन जो देखते हैं, फॉलोइंग जो मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें यहाँ पर नज़र आएगी, वो फाइव टाइप की वेजिटेशन हम इंडिया में देखते हैं। पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। फिर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट जो कांटेदार होते हैं, फिर माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं।
अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड, ये जो फॉरेस्ट होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू हैव हैवी रेनफॉल, जहाँ पर होती है वहाँ पे होते हैं, इन एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है हमने पढ़ा था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप के आइलैंड में, अंडमान में और निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम और तमिलनाडु में भी ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। आसाम और तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर, वो एरियाज में होते हैं हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है, विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, थोड़ा सा ड्राई सीजन जहाँ पर रहता है। ट्री रीच ग्रेट हाइट, जो पेड़ होते हैं उनकी जो हाइट हम देखते हैं 60 मीटर्स और उससे भी ज़्यादा हमें दिखाई देता है। सिंस द रीजन इज वार्म, चूँकि जो रीजन है ये बहुत गर्म होता है, एंड वेट, गर्म होता है वेट भी होता है पूरे साल भर, इट हैज़ ए लग्जूरियन वेजिटेशन, सभी प्रकार की वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है, जैसे पेड़ हैं, श्रब्स हैं, क्रीपर्स, जो बेलें होती हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं, एज गिवन ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रदान करता है इस जगह पर। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू सेट देयर लीव, और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनका कोई डेफिनेट निश्चित समय नहीं होता है कि वो किस समय अपनी पत्तियों को शेड कर देंगे या पत्तियाँ छोड़ देंगे, पत्तियाँ गिरा देंगे। एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर, और इस तरीके से, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कब अपनी पत्तियों को शेड कर रहे हैं, इसलिए ये जो पेड़ होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे इबोनी है, रोजवुड है, मोगनी है, बेम्बो है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी बेम्बो, रोजवुड, इबोनी, रोजवुड, रबड़ भी होता है इसमें, रबड़ और बेम्बो भी, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है कि ये अपनी पत्तियों को कब गिराते हैं, इसलिए हमेशा हरे भरे रहते हैं। सम ऑफ द कॉमर्शियली, इसमें कुछ ट्री कॉमर्शियली भी है, जैसे इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है और सिनकोना है। सिनकोना तो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी छाल से मलेरिया की कुनैन मेडिसिन भी बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से मलेरिया की कुनैन मेडिसिन बनाई जाती है, यू शुड रिमेम्बर। द कॉमन एनिमल जो होते हैं वो इस जंगल में पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी है, मंकी है, लेमर है एंड डियर है, वन हॉर्न राइनोसॉरस भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे आसाम के काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनो, एक सिंह वाला गैडा, जंगल अब आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगल में। बिसाइड दीज एनिमल के अलावा यहाँ पर कई ढेर सारी चिड़ियाएँ होती हैं, बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, स्लॉट हैं, स्कॉर्पियो हैं, जो बिच्छू बोलते हैं स्कॉर्पियन, और स्नेल है, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, ये भी जंगलों में पाए जाते हैं, बड़े बड़े पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड, वो ऐसे पेड़ होते हैं जो वाइड स्प्रेड बाग में फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्यों, एंड स्प्रेड ओवर ए रीजन, उस रीजन में फैले हुए होते हैं जहाँ रिसीविंग रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, यानी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ बारिश होती है। ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप ऑफ, जो ट्री होते हैं इस तरह के पेड़, शेड देयर लीव, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं 6 से 8 हफ्तों तक ड्राई सीजन में, यानी जब ड्राई होता है, जिन दौरान सूखा होता है, जैसे नाशपति है, आड़ू है, पीपल है, ये सब क्या करते हैं पहाड़ों में हम देखते हैं, ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर हमें लगता है कि किसी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन अवेलेबल है,
तो वहाँ पर पानी की उपलब्धता के कारण दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड, इन फॉरेस्ट को भी हम डिवाइड करेंगे पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर, जो मॉइस्ट वाले इलाके हैं और जो ड्राई डेसिडियस हैं। अगर हम देखते हैं द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज, इस एरियाज में जहाँ रेनफॉल रिसीव होती है 200 और 100 सेंटीमीटर में दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट। अब वो पेड़ क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, इसलिए जो देश का ईस्टर्न पार्ट हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में अलॉन्ग द फुटिल ऑफ हिमालय में, झारखंड के वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में, जो टीक है, टीक ट्री होता है, डोमिनेंट स्पेसीज पाई जाती है, इसके अलावा बेम्बू है। तो बेम्बू दोनों प्रकार का पेड़ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी है, ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी आता है। साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम, अर्जुन और मलबरी। मलबरी के पेड़ में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। चंदन के पेड़ है, खैर है, साल, टुन की लकड़ी एंड अदर कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज पाई जाती है यहाँ पर पेड़ों की। अगर हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट को देखते हैं, आर फाउंड इन एरिया, उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है 70 से 100 के बीच में। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठारों के उन भागों में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं वाले पेड़, और बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। दीज आर ओपन स्ट्रेचेज हैं इन विच, जिसमें तईक हो गया, साल है, पीपल, नीम आसानी से उग जाते हैं। अ लार्जर पार्ट ऑफ रीजन वल, जो लार्जर पार्ट है इस रीजन का है बीन क्लियर्ड फॉर ए कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए क्लियर किया गया है, बहुत ज़्यादा हिस्सा वैसे काट दिया गया है खेती करने के लिए, एंड यूज फॉर ग्रेजिंग, या तो जानवरों को चलाने के लिए यानी पास्चर लैंड। बहुत सारा इलाका पास्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है। इन सम दीज फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल होते हैं जो पाए जाते हैं, इनमें लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट पाए जाते हैं। ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड, विभिन्न प्रकार की रंगीली रंग बिरंगी चिड़ियाएँ पाए जाती हैं, कलरफुल बर्ड्स, लिजर्ड पाए जाते हैं, स्नैक्स होते हैं, या सांप होते हैं जहरीले, और टोटॉइज पाए जाते हैं। अगला जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड वेजिटेशन जो है दैट इज द थॉर्नी फॉरेस्ट जो हैं, और स्क्रब्स जो होते हैं झाड़ीदार। इन रीजन्स में हम देखते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर ये वेजिटेशन होती है। द नेचुरल वेजिटेशन जो होती है प्राकृतिक वनस्पति कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज, में कांटेदार पेड़ होते हैं और बुशे झाड़ियाँ होती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, इस तरह की वेजिटेशन में इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज में, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं और हरियाणा में। एसएससीएस जो प्लांट्स फार्म्स हैं, यूफॉर्बिस एंड कैक्टी जो हैं मेन प्लांट स्पीसीज हैं। दीज ट्रीज आर स्कैटर्ड, ये पेड़ क्या हैं फैले हुए हैं, एव हैव लॉन्ग रूट जो है एंड पेनिट्रेटिंग डीप इन टू सॉयल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, मॉइस्चर को प्राप्त करने के लिए स्कैटर्ड फैली हुई होती है, इनकी रूट लंबी होती है और गहराई से जड़ों को एब्जॉर्ब करती है। स्टीम आर सस्टेन इन कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो मोटी पत्तियाँ होती हैं, जिससे कि ये क्या करती हैं स्मॉल टू मिनिमाइज एवापोरेशन जो होता है, सनलाइट क्या करती है प्लांट से एवेपोरेशन के द्वारा पानी भी ले लेती है, लेकिन इनकी पत्तियां बहुत मोटी होती है जिससे कि सनलाइट इनकी पत्तियों से एवेपोरेट इजी से इजीली नहीं कर पाती है। और इनमें इनकी जो स्टीम होती है, इन स्टीम में ये पानी कंजर्व करके रखते हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक, और इनकी जो पत्तियां मोटी होती हैं जिससे कि एवेपोरेशन मिनिमाइज हो, कम से कम हो। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन द एरिया, ये जो फॉरेस्ट हैं गिव वे थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब्स को, एक एरिड एरियाज में काफ़ी डेवलप होने के लिए एक मौका मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिक्चर्स में कैक्टस हमें दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के कैक्टस दिख रहे हैं। इसके अलावा हमें पाम ट्री हो गया, इन दिस फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल होते हैं वो है चूहे होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी इलाकों में,
होल बनाते हैं, बिल बनाते हैं, रैबिट्स हैं, डेजर्ट रैबिट होता है, फॉक्स है, फॉक्स लोमड़ी होती है, वोल्फ शियार होता है, शायद वोल्फ गीदड़, और टाइगर और लायन और वाइल्ड एस जो जंगली गधे हैं। वाइल्ड एस का एक सेंचुरी भी है गुजरात में जंगली गधों की, और घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। डेजर्ट इलाकों में हम देखते हैं बेसिकली कैमल है, जिसे शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, वो पाया जाता है उन इलाकों में। अगला माउंटेन फॉरेस्ट जो है, माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं माउंटेनियर, जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ पर जैसे जैसे एरियाज में डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एंड लेट्स द करस्पॉन्डिंग चेंजेज, और बहुत सारे चेंजेज आते हैं नेचुरल वेजिटेशन में। एज सच देयर इज ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल जो वेजिटेशन बेल्ट होती है, सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम टॉपिकल टू टुंड्रा रीजन, टॉपिकल से टुंड्रा रीजन्स में हम देखते हैं द वेट जो टेम्परेचर है, हम जो देखते हैं ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन की ओर, द वेट टेम्परेचर जो है टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट के। एवरग्रीन जो है ब्रॉड लीफ ट्री जो है सच है, जैसे ओक है, चेस्टनट है प्रीडोमिनेट यहाँ पर व्याप्त होते हैं, चेस्टनट के पेड़ और ओक्स के। बिटवीन 1500 से 3000 मीटर की जो अब हाइट आती है, तब जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जैसे कंटेनर कोनी फॉरेस्ट ट्री पाए जाते हैं, कोण वाले, जैसे पाइन ट्री है। कोनी फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ आते हैं, जैसे पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है और सिदार है। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप, ये जो फॉरेस्ट होते हैं कवर मोस्टली साउथर्न स्लोप्स को कवर करते हैं हिमालय के, प्लेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड जो है इन साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। एट हाइयर एलिवेशन हम देखें जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो काफ़ी कॉमन है, और हाई एल्टीट्यूड अगर हम देखें जनरली मोर देन 3600 मीटर्स तक है अबव सी लेवल से, टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं और ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। तो क्या होता है कह रहा है, ये जितने हाई एल्टीट्यूड हाइट वाले इलाके हैं जनरली मोर देन 3600 मीटर हाइट जो सी लेवल से हाइट के होते हैं, सी लेवल से इनकी हाइट 3600 होती है, जो टेम्परेट फॉरेस्ट हम देखते हैं और ग्रासलैंड हैं गिव अवे टू अल्पाइन वेजिटेशन। सिल्वर फर यहाँ पाया जाता है, जूनिफर पेड़ का नाम है जूनिफर, पाइन्स एंड ब्रीचेज एज देयर कॉमन ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट, हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एंड दे अप्रोच द स्नो लाइन, अल्टीमेटली हम देखते हैं थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इंटू अल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज हो जाते हैं वो, दे आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग, जो नोमेडिक ट्राइब्स होती है जनजातियाँ होती हैं उनके लिए अपने जानवरों को चराने के लिए घास काफ़ी हेल्पफुल होती है, लाइक गुज्जर बकरवाल, जैसे गुज्जर बकरवाल है। एट हाइयर एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले इलाकों में होते हैं मोसेस और लिचेंस, दो टुंड्रा वेजिटेशन की वनस्पति है, यहाँ लाइकेंस और मोसेस बहुत उगते हैं जहाँ बर्फ पिघलती है। उसके बाद द कॉमन एनिमल फाउंड जो यहाँ पर पाए जाते हैं इन इलाकों में, कश्मीरी स्टैग होता है, स्पॉटेड डियर जिसमें स्पॉटेड होते हैं, वाइल्ड शिप जंगली भेड़ होती है, जैक है, रैबिट है, तिब्बतन एंटीलोप भी यहाँ पाया जाता है, याक पाया जाता है, स्नो लेपर्ड है, स्क्वायरल गिलहरी पाई जाती है, सैगी ऑन वाइल्ड अवेक्स और बियर और रेयर रेड पांडा भी यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ जिनके स्किन में जो थिक एयर होते हैं, घने बाल होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जो मैंग्रोव टीडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज, जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट होते हैं वो इन एरियाज में पाए जाते हैं कोस्ट में, और टाइड्स से जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मड एंड सिल्ट जो होती है अगर एक्यूमुलेटेड इस कोस्ट में जमा होती है, और जो डेंस मैंग्रोव है, घने मैंग्रोव होते हैं, कॉमन वेराइटी होती है विथ रूट्स ऑफ द प्लांट,
सबमर्ज्ड अंडर वाटर में सबमर्ज्ड आते हैं, द डेल्टा ऑफ द गंगा। अगर हम गंगा के डेल्टा की बात करें और महानदी के, इन डेल्टाई रीजन्स में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, इन द गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखें, जो सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा वेस्ट बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र के तट पर बना हुआ है, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जिसमें क्या होती है, जो टिम्बर जो बोलते हैं, जो इमारती लकड़ी होती है, जो इमारत बनाने के काम आती हैं, वैसी ड्यूरेबल लकड़ियाँ यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। पाम है, कोकोनट है, केरा अगार ऑल्सो ग्रोइंग सम पार्ट ऑफ द डेल्टा में मिलते हैं। अगर हम रॉयल बंगाल की बात करें, रॉयल बंगाल टैगोर है, फेमस एनिमल है इस फॉरेस्ट का, टर्टीज, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है और स्नेक्स यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम मेडिकल प्लांट्स की हम बात करें, हम जानते हैं कि बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स हैं, वैल्यूएबल है। इंडिया इज नोन फॉर इट हर्ब्स, जो इंडिया है अपने हर्ब्स के लिए और स्पाइसेस के लिए जाना जाता है फ्रॉम एंशियंट टाइम से। सम 2000 जो प्लांट हैव बीन डिस्क्राइब, उसको डिस्क्राइब किया गया है इन आयुर्वेदा में, एंड एटलीस्ट 500 आर इन रेगुलर यूज, और 500 जो है रेगुलर यूज में होते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट जो हैज नेम्ड, उन्होंने 352 मेडिकल प्लांट्स के नाम दिए हैं, और जिसमें 52 जो होते हैं क्रिटिकली थ्रेटन्ड है और 49 क्या है, इंडेंजर्ड है। और इसमें जो नाम है इनके, जैसे सर्पगंधा है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है सर्पगंधा, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। ऐसे जामुन है, जूस बनाया जाता है जामुन का फ्रॉम पके हुए फलों से, और उससे फिर विनेगर बनाते हैं जिसे चाउमीन में डालते हैं, विच इज कार्मिनेटिव एंड डायूरेटिक होता है एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है भोजन को पचाने की। पाउडर ऑफ द सीड इज यूज फॉर द कंट्रोलिंग डायबिटीज, इसके जो सीड होते हैं जामुन के, इनका पाउडर, इनके पाउडर से डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है, जामुन के बीजों का जो पाउडर होता है उसको लेने से। अर्जुन फ्रेश जूस होता है ऑफ लीव्स, इनकी पत्तियों का जो जूस होता है फ्रेश जूस, ईयरे कान का दर्द ठीक करता है, इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अगर हम बबूल की बात करें, लीव्स आर यूज एज ए क्योर फॉर आई सोर, जो आंखों में जलन होती है आई सोर होती है, इनकी पत्तियों को यूज किया जाता है आई के क्योर किया जाता है बबूल के पत्तों से, और कोलगेट भी बनता है। इट गम इज यूज एज ए टॉनिक, इसका जो गोंद होता है उसे टॉनिक बनाया जाता है। नीम की अगर हम बात करें, हाई एंटीबायोटिक माना जाता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है नीम में, कभी बुखार में और एंटीबायोटिक्स में, बहुत सारी मेडिसिंस में यूज होता है नीम। तुलसी कफ, ठंड में, कोल्ड में, कफ में, खांसी में काम आता है तुलसी, हर्बल प्लांट है। कचनार, जो कचनार की अगर हम बात करें, इट इज यूज टू क्योर अस्थमा, जो सांस की दमे की बीमारी होती है अस्थमा और अल्सर में ये काफ़ी यूज होता है कचनार। द बड्स हैं, जो कली है और रूट्स हैं, आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल हैं। इसी तरह से बहुत सारे हम, जैसे हम जानते हैं अश्वगंधा है, इसके अलावा अश्वगंधा है काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, और आंवला है, आंवला भी काफ़ी हेल्पफुल है, मेडिकल प्लांट माना जाता है आंवला भी। और बहुत सारे मेडिकल प्लांट हैं ऐसे, एलोवेरा है मेडिकल प्लांट। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें इसी तरीके से, तो लाइक इट्स फ्लोरा की तरह हम देखते हैं, जैसे फ्लोरा की कई सारी वेराइटीज हैं इंडिया में, तो भारत में फोना भी रिच है, धनी है इस मामले में। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज पाए जाते हैं, और हमारे कंट्री में लगभग 2,000 वेराइटी की चिड़ियाएँ पाई जाती हैं,
they constitute 30% of world total. There are 2,546 species हैं मछलियों की, which accounts for nearly 12%, पूरी दुनिया के स्टॉक का 12% यहाँ पर अवेलेबल है. इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5-8% जो वर्ल्ड की एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं जो रेंगते हैं, और जो मैमल्स हैं स्तनधारी. एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल, जो एलिफेंट है सबसे ज़्यादा मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल हैं मैमल्स में स्तनधारियों में. दे आर फाउंड इन हॉट बेड, गर्म वाले इलाकों में, जंगलों में, जैसे असम कर्नाटक केरला में पाए जाते हैं, गर्म जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और जहाँ वेट इलाका है, वेट फॉरेस्ट है. वन हॉर्न राइनो जो है अदर एग्जाम्पल है, जो सैम्पी इलाकों में रहता है और मार्सी में दलदली भागों में, लैंड ऑफ आसाम के वेस्ट बंगाल जंगलों में पाया जाता है, एरिड एरियाज में. और रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, कच्छ का रन और थार डेजर्ट में हैबिटेट ऑफ वाइल्ड है, जंगली गधे पाए जाते हैं वहाँ पर, और कैमल्स भी पाए जाते हैं. इंडियन बिसन जो है, और नील गाय जो है, ब्लू बुल जिसे बोलते हैं, और चोरसिंगा यानी फोर हॉर्न जो एंटीलॉप है, चोरसिंगा और गजल एंड डिफरेंट स्पेसीज जो है हिरनों की वो पाई जाती है. अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीसीज, भारत में बंदरों की भी बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में इंडिया में. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज ओनली कंट्री, बहुत ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं. नेचुरल हैबिटेट जो है इंडियन लायन का वो है गिर, गुजरात में गिर में पाए जाते हैं. टाइगर्स आर द फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. और जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था भारत में 1973 में, 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सभी जानवर को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया, 73 में टाइगर की संख्या बहुत घट गई थी, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बनाया लागू हुआ, और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में हुआ. इसलिए हर जानवर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ डे बनाया गया, एक्ट बनाया गया. सुंदरवन और वेस्ट बंगाल जो है एंड हिमालयन रीजन में लेपर्ड्स भी टू जो है मेंबर्स माने जाते हैं कैट फैमिली के. दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे. अगर हम हिमालय की बात करें, हार्बर ए हार्ड रेंज जो है एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. लद्दाख जो है फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते इलाके जो हैं आर होम ऑफ याक, जहाँ बहुत ऊंची इलाकों में बहुत ठंड वाला इलाका है, फ्रीजिंग बहुत ठंड होती है वहाँ पर, याक का घर माना जाता है. सैगी हॉर्न जो है वाइल्ड ऑक्स वेटिंग अराउंड 1 टन, तिब्बतन एंटीलॉप जो है, और जो वायरल वाइल्ड सीफ की अगर हम बात करें, एंड द क्यांग जो है तिब्बतन वाइल्ड एस, फर्दर मोर आईबक्स बियर और स्नो लेपर्ड, और रेड मुश्किल से जो रेड पांडा है कुछ ही सर्टेन पॉकेट्स में पाया जाता है. इसी तरह अगर हम इन द रिवर्स में देखें, या अगर हम लेक्स देखें, कोस्टल एरियाज देखें, और टर्टल्स जो क्रोकोडाइल और घड़ियाल है वहाँ पाए जाते हैं. द लेटर अगर हम देखें, इट ओनली रिप्रेजेंटेटिव है, कई तरह की वैरायटीज क्रोकोडाइल यहाँ पाए जाते हैं, और जो आज वर्ल्ड में हम देखते हैं कई वैरायटी प्रकार के, यहाँ घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, टर्टल्स हैं, मंकीज हैं पाए जाते हैं कह रहा है. इन द सेम वे वी सी बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, कह जो बर्ड्स हैं अगर हम कहें कि कलरफुल बर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं इंडिया में, पिकॉक अगर हम देखें, पीजेंस, डक्स हैं, पैराकिट्स हैं, क्रेन्स हैं, सारस एंड पीजेंस हैं, ये जो कुछ चिड़ियाएँ हैं वो फॉरेस्ट में और वेटलैंड में भारत में पाई जाती हैं. वी हैव सेलेक्टेड अवर क्रॉप्स, हमने क्या किया है, बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट से सेलेक्ट किए हैं क्रॉप्स को फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ एडिबल जो प्लांट्स हैं. वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड वेल, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड सेलेक्ट मैनी मेडिकिनल प्लांट. द एनिमल वेयर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक, जो एनिमल हैं वो क्या किए जाते हैं, सेलेक्टेड किए जाते हैं फ्रॉम लार्ज स्टॉक से एंड प्रोवाइडेड बाई नेचर एज ए मिल्च एनिमल, दूध देने वाले जो जानवर हैं यहाँ पर. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं मीट का और एगो का,
फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करता है मछलियां हमें, और मैनी इंसेक्ट जो है वो क्रॉप्स के पॉलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, एंड फ्रूट्स जो होते हैं एंड ट्रीज एंड एग्जिटिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट ऑन सच इंसेक्ट इज हार्मफुल। एवरी स्पेसीज जो हैज ए रोल टू प्ले इन अ इकोसिस्टम, हर स्पेसीज प्रजाति का इकोसिस्टम में रोल है, हैंस द कंजर्वेशन इज इसेंशियल, इसीलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। एज हैज बीन मेंशन अर्लियर, जैसा कि ये पहले ही मेंशन किया गया है, ड्यू टू एक्सेसिव बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन करने से प्लांट और एनिमल के से, जो ह्यूमन बींग के द्वारा जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया गया है उससे क्या इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो गया है, डिस्ट्रॉय हो रहा हैज बीन डिस्टर्ब, और हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। ये कोलाज है, न्यूज़पेपर का एक कोलाज नजर आ रहा है, 1300 जो प्लांट्स स्पेसीज हैं इंडिया में इंडेंजर्ड हैं वो, एंड 20 जो स्पेसीज हैं एक्सटेंस हो चुकी है, कुछ तो खतरे के कगार में है विलुप्त होने वाले और कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पेसीज जो है आर ऑल्सो इंडेंजर्ड, और कुछ इंडेंजर्ड है एंड सब एम एक्सटेंस, कुछ लुप्त हो चुकी हैं। सम में द मेन कॉज फॉर द मेजर थ्रीट, जो मेजर कॉज है थ्रीट का नेचर में आर हंटिंग, तेजी से जो लालची हंटर हैं शिकारी हैं वो अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए इनको हंटिंग करते हैं। पॉल्यूशन होता है ड्यू टू केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जो एसिड डिपॉजिट्स हम देखते हैं, और इंट्रोडक्शन जो एलाइन स्पेसीज का रेकलेस कटिंग, तेजी से जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं आज की डेट में, इससे ब्रिंग जो लैंड कल्टीवेशन हम बढ़ा रहे हैं और हैबिटेशन जो है सिटीज डेवलप हो रहे हैं, ये भी एक इम्बैलेंस होने का एक रीजन है। कंटिन्यूसली हम पेड़ काटते जा रहे हैं, केमिकल्स छिड़क रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, हंटिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो तेजी से बहुत सारे जानवर एक्सटेंस होते जा रहे हैं, नेचर में इम्बैलेंस हो रहा है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना, अगर हमें इन फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करना है, द गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट को कई सारे स्टेप्स लेने चाहिए, द गवर्नमेंट शुड टेक अ सेवरल स्टेप टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है अभी कंट्री के द्वारा सेटअप किए गए हैं फ्लोरा एंड फोना को सेटअप करने प्रोटेक्ट करने के लिए। 10 आउट ऑफ दीज मुझे 10 जो है सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरी है, नौकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार एंड सिमली बॉल उड़ीसा में, पंचमणी मध्य प्रदेश में, अचान कमार झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में अचान कमार हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जो फाइनेंशियल अगर हम देखें, जो माइग्रेटरी बर्ड हमें अगर नजर आती है, जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग विंटर के दौरान, जो बर्ड्स होती हैं जैसे साइबेरियन क्रेन है इन लार्ज नंबर में, फेवरेबल विद बर्ड, जो प्लेस फेवरेबल है बर्ड के लिए जैसे कच्छ का रन है वहाँ आती हैं, एट प्लेस विद द डेजर्ट मर्ज्ड विद द सी, जहाँ पर डेजर्ट क्या है सी के में मर्ज हो गया, एंड फ्लेमिंगो जो है फ्लेमिंगो बर्ड विद दियर ब्रिलियंट पिंक फ्लेमेज के साथ, थाउजेंड्स टू बिल्ड नेस्ट, यहाँ पर हजारों नेस्ट बनाती है मॉन एंड फ्रॉम सेल्टी मर्ज से, एंड रेज दियर यंग वन, और अपने यंग वन को रेज करती हैं। इट इज वन अमंग मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री, जो दृश्य है साइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट माना जाता है। इट इज नॉट ए रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ अवर, क्या ये हमारा रिच नेचुरल हेरिटेज नहीं है भाई? 18 बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बताया था, आपको नौकरी का मेघालय में, नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, मानस आसाम में है, पंचमणी मध्य प्रदेश में, कंचन खरचेड़ झंडा है ये खगचेड़ झंडा, सिक्किम में अगस्त मलाई है, डिब्रू असम में, डिहांग डेवांग है अरुणाचल प्रदेश में, डिहांग डेवांग वहां नदी भी है, अचान कमार छत्तीसगढ़ में। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस अगर हम देखते हैं, इज प्रोवाइड टू मेनी बॉटनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट को 1992 से दिया गया है, जैसे कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट्स हैं,
पन्ना है और सेज सलम है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है हम देखते हैं 1973 में, प्रोजेक्ट राइनो भी बनाया गया है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को और किए भी गए हैं। और इसी तरह से 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जूलॉजिकल गार्डन सेटअप किए गए हैं हमारे इस नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। ऑल ऑफ अस फ्रॉम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ऑल ऑफ अस जो हम सभी हैं इनको रियलाइज करना है कि जो इम्पोर्टेंस है नेचुरल इकोसिस्टम का हमारे ओन सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट, यदि जो इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है डिस्ट्रक्शन जो रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट का, अगर हम उसको इमीडिएट एंड कर देते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एंड इन दिस वे अवर चैप्टर फिनिश, आई होप यू अंडरस्टूड लिटिल मी, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन टू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स वेरी शॉर्टली। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।